आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी में भोजपुरी के तीन ऐसे कलाकार हैं जिनकी जोड़ी खूब सुर्खियां बटोरती है। हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। जब भी ये तीनों जुटते हैं तब खूब चर्चा में आते हैं। जैसे अभी जब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का जन्मदिन अनोखे तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पर मनाया गया, और खास बात तो ये रही कि वहां सांसद रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी मौजूद थे। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। दरअसल बीजेपी सांसद लखनऊ एयरपोर्ट से बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। जैसे ही एयरपोर्ट के कर्मचारियों को ये पता चला कि आज मनोज तिवारी का जन्मदिन है, तो सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पर केक लाया गया और उनका जन्मदिन मनाया गया। पहले तो सांसद रवि किशन ने भोजपुरी में मनोज तिवारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आते ही मनोज तिवारी से लिपट गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए। यहाँ सब लेके आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, आज इनका जन्मदिन बा, बहुत सारा महादेव से शुभकामना बांटे कि ऐसे ही आगे बढ़त रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यह आज पूरा भोजपुरिया समाज की ओर से, और भोजपुरिया समाज, अरे हमारे छोड़ भाई दिनेश बाबू, आज मनोज तिवारी जी का जन्मदिन है, माननीय सांसद हमारे पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के और भोजपुरिया के, हम लोगों की जान भैया। देखो इस अवसर पे महाराष्ट्र बीजेपी की धड़कन है यहाँ। तो देखा आपने, बता दें इस वीडियो को रवि किशन ने पोस्ट किया है और लिखा है, आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं, महादेव स्वस्थ रखे आपको और आपके समस्त परिवार को, राजनीति में आप निस्वार्थ भाव से देश सेवा में आगे बढ़ते रहे, यही कामना श्री मनोज तिवारी जी। अब इस वीडियो पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। जैसे कि एक यूजर ने लिखा है, भोजपुरी के त्रिदेव मनोज भाई को जन्मदिन मुबारक हो, ईश्वर स्वस्थ और प्रसन्न रखे। दूसरे यूजर ने लिखा है, माय सुपर हीरो जोड़ी को राम राम, हैप्पी बर्थडे मनोज जी। फिलहाल बात की जाए मनोज तिवारी की, तो भोजपुरी कलाकार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का परिवार वैसे तो बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म महादेव की काशी में हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था जब मनोज तिवारी ने साल 2009 में सपा के टिकट पर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव हार गए थे, लेकिन आज वो बीजेपी के सांसद है। आपको भी बता दें, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तीनों ही भोजपुरी कलाकार हैं, और तीनों भोजपुरी कलाकार इस वक्त बीजेपी से सांसद हैं। मनोज तिवारी जहां दिल्ली से सांसद है, तो वही रवि किशन गोरखपुर से सांसद है और निरहुआ आजमगढ़ से सांसद है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।